हाँ जी, क्या नाम है तुहाडा? करण कुमार भाई, की गलबात हुई तुहाडे नाल? इधर ना सलून ते काम करता सी मैं। मुंडा आया रामगढ़ चुंगिया का, कालू जाने के मैंने पहला भी जान दिया है। वो अंदर आया कहते तेरे गलबात करनी है सी, मैं बाहर नू आई। मैं कहा तू इत्थे ही जड़ी गल करनी इत्थे ही कर लै। कहता नहीं तू बाहर आ। जिदा बाहर गया सारे बुला के अंदर ले आया सलून के, जिदा वो हथियार लैके आए अंदर जाने के कुटमार करने लग पे। अंदर भी भन तोड़ की उन्हें सलून दे, बाहर सलून तो कटिया बाहर सीट लिया उत्थे कुटिया कटिया गड्डी जी सीटिया भाई उन्हें गाड़ी मटो मैं लै गई चक्के जी उत्थे कोठी है जानी के उन्होंने भूआ की। भूआ को रेंदे हो मुंडे ते उन्होंने भूआ भी बिचे थी जानी के जी उन्हें भी मेरे पैर बिचे मारे जी। ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਫਿਰ? ਸਰ ਬਲਾਜੋਰ ਦੇ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਉੱਥੇ ਸਰ 20-25 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਸਰ ਖੰਡੇ ਕਰਪਾਨਾਂ ਬੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਘਾਤ ਗੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ। मुंडे आए दो तीन चार मुंडे सके। एक मुंडा इन अंदरों कट के ले गया गल करनी आ। एक गल कर गया बाहर नू ते वो मुंडे को हथियार सके, हथियार दे नाल इहदे सिर ते मारियां रौड़ा। इहदा सिर तां उत्थे दुकान ते पाड़ता, उत्थे सारी मार्केट उत्थे ही सी। उन्हां बच बचाओ भी कीता, दुकान वाले विच पिया, उन्हां ने उन्हूं धक्के धुके मार के सिट्टा। मुंडिया ने नशा वगैरह किया होया सी, इदां लगदा सी मुंडिया दा। इहनूं चक्किया, चक के गड्डी दे विच सुट के लै गए। लिआउण तों बाद इहनूं साडे नज़दीकी पेंडा पिंड दे नाल गढ़ी मट्टों उत्थे लिया के सिट लिया इहनूं। उत्थे इहदे दसण मुताबक कि क्योंकि पुलिस पार्टी भी दसदी है, पुलिस पार्टी ने उत्थों जाके छुड़वाया इहनूं। ते उत्थे 30-35 मुंडे होउगे करीब, इन्ने क मुंडे पहलां भी सीगे। इहनूं बन्न लिया, कुट्टिया, मारिया, जो सट्टा हैगी इहदे लगियां उहनां ने मारियां। उत्थे उह हथियारबंद सीगे बंदे। फिर सलून वालिआं ने पिछों रिपोर्ट करती सी पुलिस नूं, थाणा बलाचौर तों गए पुलिस पार्टी सारे समेत। पुलिस पार्टी नूं उत्थों छुड़वा के लैके आई है। हाँ जी डीएसपी साहब, पहला तो थोड़ा स्वागत है सर बलाचौर के विच। तो सर की बाकिया सामने आया बलाचौर के विच, एक क्रिमिनल बाकिया सामने आया जितना की, तो उसके बारे इनफॉरमेशन दो मैंने की सी गाओ। मिति 10 तारीख को ना इस महीने साढ़े थे पिंड है मुजारी, उत्थे एक सलून के विच एक लड़का काम करता सी, कर सकता था उन्होंने आपस में ना पुराने कोई छोटे मोटे झगड़े से, वो झगड़े वाते 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 थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो 10 तरीक न चार लड़के आए थे गढ़शंकर तो स्विफ्ट कार के, कुटमार करके अगवा करके लै गए। तो असी साढ़े SHO साहब ने, तो मैं बड़ी छेती ही जो लड़का अगवा करके लेके गए थे, जी कार लेके गए बरामद कर ली सी। मुकदमा दर्ज करके असी तफ्तीश अमल लिया रहे थे। तो SHO साहब की टीम ने अच्छ बड़ी मुश्तैदी दिखाते हुए जो एक दोषी है करण ADS करणवीर सिंह वासी गढ़शंकर गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जो बाकी तीन दोषी रह गए हैं उन्होंने भी जल्द ही गिरफ्तार करके सजा दवाई जाएगी। तफ्तीश मुकम्मल की सर जिदा तुम जो तो आए हो उस समय तो ही बलाचौर के क्राइम को फड़न काफ़ी कामयाब हो रहे हैं, तो थोड़ी टीम के हेठ हाँ ये काफ़ी योगदान की कहना चाहते हो तो समय? ये सारा साढ़े सीनियर अफसर ने SSP साहब ने SPD साहब ने उन्होंने योग हदायतों दे रहे ने सानू। उन्होंने चलते हुए असी मैं मेरी जी टीम है सबडिविजन की SHO साहब तो बाकी तीन SHO साहब बड़ी ठीक तरीके अपना टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हदायतों मुताबिक असं चलते हुए काफ़ी ठीक अपना जो क्राइम है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਗਾਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ 3/23 ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, 364, 323, 120B, 34 IPC ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਦਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।